स्टूडेंट, वेलकम माय यूट्यूब चैनल कपर्दी नॉलेज क्लास। तो आज हम यहाँ डिस्कशन करेंगे मनोविज्ञान का एक टॉपिक आत्महत्या। तो आत्महत्या के बारे में हम यहाँ पे कुछ डिस्कशन करेंगे। तो सामान्यतः जैविकीय, वंशानुक्रम, मनोवैज्ञानिक, समाजशास्त्रीय, सांस्कृतिक एवं पर्यावरणीय कारणों के अत्यंत परस्पर संबंधों का परिणाम है। जो आत्महत्या होती है वो सामान्यतः जैविकीय कारणों से, वंशानुक्रम के कारण से, मनोवैज्ञानिक, समाजशास्त्रीय, सांस्कृतिक एवं पर्यावरणीय कारणों के अत्यंत परस्पर संबंधों का परिणाम है। अक्सर आत्मघातक व्यवहार समस्या समाधान, अक्सर क्या होता है आत्मघातक व्यवहार, आत्मघातक मतलब जो आत्मघातक हो, जो आत्मा के लिए हानिकारक हो, ऐसा व्यवहार समस्या समाधान, दबाव प्रबंधन एवं संवेगात्मक अभिव्यक्ति में जटिलता की ओर इशारा करता है। आत्महत्या का विचार तब अधिक बढ़ता है जब व्यक्ति को जीवन की कठिनाइयों से उबरने के लिए कोई मार्ग नज़र नहीं आता। वर्तमान में आत्महत्या के क्षेत्र में कई प्रगतिशील अनुसंधान हुए हैं। अनुसंधान मतलब खोज या रिसर्च कह सकते हैं, जिससे यह सिद्ध हुआ है कि अधिकांश व्यक्ति जो आत्महत्या के विषय में सोचते हैं वो वास्तव में मदद हेतु प्रयास ही नहीं करते हैं। जो यहाँ पे बहुत सारे अनुसंधान हुए, जो सर्च हुए हैं, उसमें पता चलता है कि जो व्यक्ति आत्महत्या करता है वो कभी मदद हेतु प्रयास करता ही नहीं कि कोई व्यक्ति हमारी मदद करे, इसलिए उन्हें कोई आवश्यक मदद नहीं मिल पाती है। आत्महत्या की रोकथाम हेतु विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कुछ महत्वपूर्ण उपाय बताए हैं, जो इस तरह से हैं। आत्महत्या में प्रयोग होने वाले स्थानों की पहुंच को सीमित करना, मद्यपान मतलब नशीली वस्तुओं के सेवन संबंधी नीतियों को लागू करना, जैसे लोग शराब पी लेते हैं या नशीले पदार्थों का सेवन करते हैं तो उनकी सोचने समझने की शक्ति कम हो जाती है। लोग स्ट्रेस में रहते हैं, तनाव में रहते हैं, तो वो सोचते हैं हम शराब पी लेंगे या कुछ नशीले पदार्थों का सेवन कर लेंगे तो हमारी चिंताएं ख़त्म हो जाएंगी, लेकिन चिंताएं ख़त्म नहीं होती हैं। तो इस तरह के वस्तुओं के सेवन संबंधी नीतियों को लागू करना, ऐसे व्यक्तियों की पहचान कर पर्याप्त देखभाल एवं उपचार उपलब्ध कराना, और आत्महत्या के कारणों की पहचान करने एवं उनकी रोकथाम से संबंधित स्वास्थ्य कर्मचारियों को प्रशिक्षण देना मतलब ट्रेनिंग देना, आत्महत्या का प्रयास कर चुके व्यक्तियों की पर्याप्त देखभाल करते हुए उन्हें सामुदायिक सहयोग उपलब्ध कराना। तो ये था बहुत छोटा सा टॉपिक, मैंने आत्महत्या वाला लिया था जो कि आपका शिक्षा मनोविज्ञान से है, तो इसको आप देख लीजिएगा।